श्री श्याम पैदल यात्री संघ सुजानगढ़ के पैदल यात्रियों का जत्था नया बास स्थित श्याम दरबार से खाटूधाम की पैदल यात्रा पर रवाना हुआ है। भागीरथ करवा ने बताया कि 71 यात्रियों का जत्था पैदल यात्रा पर डीजे पर चल रहे बाबा श्याम के भजनों के बीच रवाना हुआ। जत्थे के रवाना होते वक्त गिरधारी लाल जांगीर, नटवर लाल छापरवाल, नरेंद्र बेदी, संजय सोनी, संजय पारीख, नंदलाल चौहान आदि ने पुष्प वर्षा करके यात्रियों का अभिनंदन किया। पैदल यात्रियों में कर्माराम बेनीवाल, राहुल पारीख, मनीष शर्मा, कड़ूराम जांगीर, राकेश जाट, हरिओम जांगीर, श्याम सुंदर पारीख सहित 71 यात्री शामिल हैं, जो 16 सितंबर को बाबा श्याम के दरबार में धोक लगाकर शीश नवाएंगे। सत्याग्रह सप्ताह के दूसरे दिन नातो तालाब से लेकर ठरडा स्थित शिवालय तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसको विधायक मनोज मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 201 प्रतिभागियों ने मैराथन में उत्साह के साथ भाग लिया और महात्मा गांधी के संदेश को आत्मसात करने की शपथ ली। खास बात यह रही कि प्रतिभागियों में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी भी देखी गई। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गोरी, उपखंडाधिकारी मूलचंद लुणिया, एएसपी जगदीश बोहरा, डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई, थानाधिकारी राम प्रताप ओदरा, विकास अधिकारी हरिराम चौहान, एबीईओ मंजू पंवार सहित अनेक अधिकारियों व शारीरिक शिक्षकों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया उससे तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने समाज में समानता स्थापित करने को लेकर जो आंदोलन किए उससे आज की युवा पीढ़ी को सीख लेने की आवश्यकता है। भाईचारे व सामाजिक सद्भाव की अपील करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने दलितों, पिछड़ों और समाज के दबे हुए वर्गों के लिए जो संघर्ष किया उसके कारण आज पूरी दुनिया उनको पूछती है। उन्होंने सभी से महात्मा गांधी के बताए आदर्शों पर चलने की अपील की। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि स्वच्छ व स्वस्थ सुजानगढ़ के लिए मैराथन का आयोजन सराहनीय पहल है। उपखंड अधिकारी मूलचंद लुणिया, पूर्व सभापति हाजी सिकंदर अली खिलजी ने युवा पीढ़ी से महात्मा गांधी के बताए आदर्शों पर चलकर देश का सुनागरिक बनने की अपील की। इस अवसर पर दिनेश पिपलवा, रामलाल गुलेरिया, प्रभुदयाल स्वामी, धर्म सिंह मीणा, श्याम स्वर्णकार, भवनलाल पांडर, कांग्रेस नेता शंकर स्वामी, माणतन सराफ, मोहम्मद जुलकर, सरोज पुनिया, महावीर स्वामी, भागीरथ, योगेश सविता, सुधेंद्र पार्स, सुनीता रावतानी, जगदीश सेन, रणजीत भिंचर, इरफान खान, सौरभ पिपलवा, इरशाद गोरी, मनोज गुलेरिया, पंचायत प्रसार अधिकारी घनश्याम भाटी, कमल स्वामी, मदन लाल सोनी सहित अनेक लोगों ने मैराथन में भाग लिया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व उपखंड प्रशासन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का संचालन सरपंच सविता राठी ने किया। वहीं ठरडा पहुंचने पर विधायक मनोज मेघवाल ने शिवालय में भगवान शिव दरबार के दर्शन किए। मंदिर कमेटी के विक्रम सिंह बिदावत, दानमल भोजक, जगदीश, सौरभ पिपलवा, कालूराम आदि ने माल्यार्पण करके विधायक मनोज मेघवाल का अभिनंदन किया। सप्ताह का सत्याग्रह सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज सुबह नतलाब से लेकर यहाँ शिवालय तक करीब 3 किलोमीटर के मैराथन का आयोजन किया गया है और इस तरह पूरा एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलेंगे। और इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के जो विचार थे, जो उनके आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका थी और जो समाज का उत्थान में उन्होंने एक अलग जगाई थी कि समाज का पिछड़ा दलित वर्ग कैसे मुख्य धारा में आए, तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए भी जो कार्यक्रम साथ में चलाया था उसकी आज के पीढ़ी को, हम जैसे लोगों को उसका बारे में पता चले, उसकी महत्ता का पता चले कि किस तरह हमें आज़ादी मिली है, कितने प्रयत्नों के बाद मिली है और कितने कठिनाइयों के बाद आज पूरा देश एक सूत्र में बंध रहा है। बहुत जो लगभग 90% उस समय गरीबी रेखा से नीचे थे, बहुत एक दूसरे से लोगों के प्रति एक वातावरण था, वो दूर होकर कैसे देश प्रगति की तरफ जा रहा है, ये सब विचार आज की पीढ़ी भी जाने। इसलिए गांधी जी के विचारों को जानने के लिए सरकार ने फैसला किया था कि महात्मा गांधी जी की 150 जयंती है उसके लिए पूरे एक साल कार्यक्रम चलाए जाएँ, अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएँ, उसमें संगोष्ठियाँ हुए, उनके अंतर्गत कार्यशालाएँ आयोजित किए और उसी क्रम में एक साल और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और उसके तहत पूरे ये कार्यक्रम देश में चल रहे हैं। सुजानगढ़ की स्टेशन रोड स्थित अग्रवाल सम्मेलन में अग्रवाल समाज के चुनाव सर्वसम्मति से रविवार शाम को संपन्न हो गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर माणक सराफ, मंत्री पद पर महावीर प्रसाद बगड़िया का निर्वाचन हुआ है।
अग्रवाल संगठन के चूरू जिला अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार खेतान श्याम गाड़ोदिया की देखरेख में चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद पर माणक चंद सराफ, उपाध्यक्ष जमरीमल बगड़िया, सह अध्यक्ष परमानंद मंगलूनिया, मंत्री महावीर प्रसाद बगड़िया, उपमंत्री सुरेश शोभासरिया, सह मंत्री राजकुमार क्याल, कोषाध्यक्ष अजीत तोदी, हिसाब निरीक्षक श्याम सुंदर मोदी, सामान निरीक्षक राकेश मीरणका को चुना गया। प्रदीप तोदी ने बताया कि पदाधिकारियों के साथ ही 31 लोगों को कार्यकारिणी में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। कार्यक्रम का संचालन आरएल अग्रवाल ने किया, जबकि नव निर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण करके बाबूलाल तोदी, ओम प्रकाश बगड़िया, विष्णु खेतान, रामावतार ढाणीवाल, मनोज मित्तल, गोपाल बगड़िया, मुरली मिठड़ीवाला, शंकरलाल गोयनका, मदनलाल तोदी, सुखदेव मोदी, शुभम तोदी आदि लोगों ने स्वागत किया। समाज के उपस्थित लोगों को नव निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को बधाई दी। वहीं अध्यक्ष माणक चंद सराफ ने समाज की मजबूती के लिए कार्य करने का भरोसा दिलाया। समाज के लिए पहले से भी जीव जान लगाई हुई है। 20 वर्ष पहले मंत्री था मैं, उसके बाद 5 वर्ष रह गए अध्यक्ष, तो अब भी जीव जान लगा के सब भाइयों के साथ में लेके हर काम करूंगा। आज अग्रवाल समाज के हमारे चुनाव संपन्न हुए है। ये चुनाव पहले से ड्यू चल रहे थे, कोरोना काल की वजह से हमने कार्यकारिणी के अंदर चुनाव का थोड़ा समय बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब कोरोना की थोड़ा कम हुआ है, इस वजह से हमने आज चुनाव की डेट निकाली थी और चुनाव कराए हैं। आज हमने बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वसम्मति से हमने चुनाव कराए हैं। इस चुनाव के अंदर आज हमारे सर्वसम्मति से चुनाव अग्रवाल समाज के अध्यक्ष श्री माणक चंद जी सराफ चुने गए हैं और मंत्री श्री महावीर जी बगड़िया चुने गए हैं। और महावीर जी बगड़िया पहले से मंत्री थे और माणक जी सराफ ने भी पहले से पिछली बार ये अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है इनका, और महावीर जी बगड़िया का भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। इसलिए इन लोगों को पूरे समाज ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष और मंत्री चुना गया है और हम विश्वास करते हैं और उन पर आस है हमें कि ये और भी आगे बहुत अच्छा काम करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे और समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। सुजानगढ़ पुलिस थाने में अशगर लीलगढ़ निवासी वार्ड नंबर 10 सुजानगढ़ ने 3 जनों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाकर टेम्पो हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस को प्रार्थी अशगर लीलगढ़ ने बताया है कि मैंने एक टेम्पो महेंद्र सिंह से खरीदा था, जो महेंद्र सिंह ने पहले कैलाश चंद निवासी गाँव लोडसर से खरीदा था। दिव्यांग अस्कर का कहना है कि टेम्पो 6,000 रुपये मासिक से हिसाब से किराए पर चलाने के लिए धिंगाड़ियावास में रहने वाले महबूब नामक व्यक्ति को उसने किराए पर दिया। प्रार्थी का आरोप है कि मेरे टेम्पो पर महबूब निवासी धिंगाड़ियावास ने ASP ऑटो फाइनेंस के मैनेजर संदीप जैन व हरिकिशन से नाजायज साठ काट करके 70,000 रुपये का लोन मुझे बताए बिना ले लिया। प्रार्थी का कहना है कि संदीप व हरिकिशन ने नाजायज साठ काट करके मेरा टेम्पो हड़पने की नीयत से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर टेम्पो का रजिस्ट्रेशन महबूब के नाम करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच सब इंस्पेक्टर दलीप सिंह कर रहे हैं। टेम्पो महबूब ने दिया था 2 साल पहले, जो वो पाचा मांगा तो संदीप और हरिकिशन ये तीनों मिल के आटे ऑफिस में नाम करा के कि उसमें तुम्हारा टेम्पो नहीं है, हमारा टेम्पो है, थाने में दर्ज कराई है रिपोर्ट। टेम्पो ने किराए पे टेम्पो चलाने के लिए दिए थो, पाछ लिए तो कि हमारा टेम्पो है।